सर आपने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक कंप्लेंट किया था, उस कंप्लेंट का हल कहाँ तक है? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको सही तरीके से लेके वक्फ बोर्ड के सीईओ को बोर्ड के ऊपर एक नोटिस दिया गया टाइम लिमिट के अंदर। इसमें नासिर हुसैन सीईओ और शाफी सादी चेयरमैन, ये लोगों के साथ जमे हुए हैं। मेरा कंप्लेंट था तो सीएम इब्राहिम, तनवीर सेठ और इन हारिस रहमान खान और ऐसे पूरे लोग जो हैं तकरीबन लाख ऑफ करोड़ का हमारा माल रखा है, ये वापस देना है, उनको जेल में डालना है, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देना है। मेरा कंप्लेंट सीधे सरकार में है, वो उसको लिया हूँ। लेके इनको जब दिया, ये उम्मीद से नहीं दिया, शाफी सादी साहब और जो मेंबर्स हैं इसमें रिस्पेक्टेड मेंबर जो हैं, अब तनवीर सेठ तो अक्यूज में हैं तो ये कुछ नहीं कर सकते, तो इन्हों करना था नासिर हुसैन, इन्हों जम के सीईओ को बोल के अपॉइंट ये तुरंत इसका रिपोर्ट देना सरकार में, सरकार जो करेगी वो करेगी, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर देगी। मेरा प्रोसिक्यूशन लोक आयुक्ता में कंप्लेंट है, इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं दिएगा सरकार, यही मेरा कंप्लेंट था मेरे चीफ सेक्रेटरी से। तो ये इन्हों क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्हों ये तमाम ये 93 लोग हैं, इनके साथ जमे हुए क्यों हैं? ये पब्लिक के माल में हिस्सेदार क्यों बन रहे हैं? इन्हों खाए हिस्सेदार क्यों बन रहे हैं इन्हों? यही कंप्लेंट है मेरा। इसमें जो माल जैसा रेंट का एक बिल्डिंग खाली होती है, इसको तुरंत बोर्ड लगा देंगे कि भाई ये किराए पे है। ऐसा जो प्रॉपर्टी तकरीबन 75 से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी MTR के सामने लालबाग की प्रॉपर्टी उठा के दे दिए, अपना शरीफ सेंटर का फाउंडेशन डाल दिए, ये भी मेरा कंप्लेंट है। तो ये कंप्लेंट में तमाम आएगा, क्या उसका प्लान अप्रूवल हुआ है क्या? इसका ये प्रॉपर्टी क्या जरूरी है टेनेंट का बोर्ड लगाने की, किसको देना है? तो ऐसे ही एक IAS IPS का कोचिंग करना हो तो CMA बिल्डिंग में जगह नहीं क्या? CMA में जो 75 करोड़ रुपये कॉम्पनसेशन है उसमें नहीं बन सकते थे क्या? क्या काम हो रहा है? तो ये तमाम चीज़ों का मैं इनका शामिल शाफी सादी और ये मेंबर्स जो भी हैं कमिटी के और CEO तमाम मिल के ऑफेंस कानून में जिसका जेल होगा और जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई पेनाल्टी में जाएगा वो ऑफेंस के साथ उन्होंने जाएंगे। ये लोगों को कानून का डर नहीं है। जब भी अभी कर्नाटक में इमीडिएट लास्ट अगले हफ्ते में ADGP ऑफ पुलिस का अरेस्ट हुआ PSI स्कैम में, ये वक्फ बोर्ड स्कैम है। और जब इन्हों इसका कारण नहीं बने, ये चीज़ों को सरकार को इन्हों नहीं दिए, ये तमाम क्यों नहीं हो सकता है? जैसा मंजुनाथ साहब DC अभी जेल में बैठे हैं, क्यों नहीं इन्हों जेल को नहीं जाना है? ये तीनों लोगों जेल को क्यों नहीं जाना है? दोबारा स्टेप मेरा यही होगा, चाहे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी नहीं किए तो ये लोगों को भी हमें प्रोसिक्यूशन का कोर्ट के सामने जाएंगे। प्रोसिक्यूशन का परमिशन देने के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गया हूँ, इसका साथ ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हो सकता है तुरंत अगले चंद दिनों में ये लोगों को भी अक्यूज बनाऊँगा मैं, जिसका नाम मैं बोला हूँ, जो नासिर हुसैन है और CEO और शाफी सादी, ये लोगों को भी अक्यूज बनाएंगे, उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर पूछेंगे इस वजह से कि भाई ये लोगों को साथ दे रहे हैं।